एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालिक ठेकेदार श्री हिरदे चंद जी पिछले दिन अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों उन्हां दे ग्रह मोहल्ला प्रीतनगर कपूरथला विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी वल्लों जीवन अते मौत दीआं सच्चाईआं बारे चानना पाया अते सब संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए मार्ग ते चलण दी सिख्या दित्ती। श्री हिरदेनंद जी दा जन्म 12 मई 1960 नूं होया। आप जी बचपन तों ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक अते मेहनती सन। आप जी दा बचपन बहुत ही चुनौतियां भरपूर रहा। आप जी ने अपने बचपन तों ही मेहनत करनी शुरू कर दित्ती। आप जी दा व्याह 14 फरवरी 1999 नूं होया। व्याह उपरंत जिथे आप जी ने अपनी मेहनत करनी जारी रखी उथे ही आप जी ने अपनिया परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया अते कंस्ट्रक्शन बिजनेस विच अपने कारोबार की शुरुआत की। आप जी ने इस काम विच जी जान नाल मेहनत की अते बहुत ही उन्नति हासिल की अते खूब नामना खटिया। ठेकेदार हिरदे चंद जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नूं अपनी तरफ खिंच लैंदे सन। आप जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। रोजाना मंदिर जाना आप जी दा नितनेम सी। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई त्यार बर त्यार रहा करदे सन। मौजूदा समय विच आप जी दे इन्हां चंगे संस्कारां ते आप जी दा समुच्चा परिवार चल रहा है। आप जी दा समुच्चा परिवार बहुत ही मेहनती परिवार है, पढ़िया लिखिया परिवार है अते परमात्मा दे पाणे विच रहण वाला परिवार है। आप जी दे बच्चे बहुत ही नेक हन, संस्कारी हन अते अपने पिता जी दे पाए पूर्णियां ते चलण वाले इंसान हन। अब सनातन मोक्ष का उपाय सुनना चाहता हूँ कि हे प्रभु क्या कर्म करें, कैसा करें कि इस आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाए, दोबारा इस आवागमन चक्र में ना आना, यहाँ से अब हमको मुक्ति चाहिए। तो हे शरणागत, हे वत्सल, हे देवों के देव, हे भगवान, सब दुखों से मलिन इस सार रहित घोर संसार में अनेक प्रकार के शरीरों में स्थित अनंतर जीव समूह पैदा होते हैं और आत्मा जीव पैदा होते हैं और मरते हैं, उनका अनंतर नहीं, वे सदा दुख से आतुर रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु, वे किस उपाय से संसार से छूटते हैं तो मुझसे कहो। भगवान जी गरुण जी फिर पूछ रहे हैं भगवान जी से कि क्या कर्म किया जाए, कैसे कर्म करें इस आवागमन से चक्र से मुक्ति मिले। और हर प्रकार से भगवान जी को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि उनका अनंतर नहीं, जो जीव समूह पैदा होते हैं और मरते हैं उनका अंतर नहीं है, वे सदा दुख से ही आतुर रहते हैं, कभी सुखी नहीं होते हैं। हे मोक्ष के स्वामी प्रभु, वे किस उपाय से संसार से छूटते हैं सो मुझसे कहिए कि इस संसार से आवागमन चक्र से क्या कर्म करने से मुक्ति है उसको कहिए। तो श्री भगवान जी बोले कि हे गरुण, जो तुम मुझसे पूछते हो तो उसे कहता हूँ, सुनो, इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य संसार से छूट जाता है। परब्रह्म लोक स्वरूप कला रहित सिरूप सबको जानने वाले, सबके कर्ता, सबके स्वामी, मल रहित और दैत रहित भगवान हैं। जो कुछ करना है परमात्मा ईश्वर को ही करना है, तो सबके कर्ता स्वामी, सबके ईश्वर, सबके रक्षक स्वयं भगवान हैं। स्वयं प्रकाश आदि अंध से रहित, निर्विकार पर से अपर गुण रहित सच्चिदानंद भगवान के अंश से यह जीव संज्ञक प्राणी है। अनादि अविद्या से उपहत होकर टकारक जैसे अग्नि में चिंगारियां उठती हैं, ऐसे ही जीव अनादि कर्मों से प्राप्त देह आदि उपाधि से मृत होता। ये आवागमन चक्र है, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में जीना और मरना दोनों, सुख और दुख दोनों साथ ही,
तो मृत्यु लोक में जो आया हुआ है उसको जाना निश्चित है, चाहे जो भी है। इस प्रकार से भगवान जी कहते हैं कि सुख तथा दुख के देने वाले, पुण्य और पापों से बंधी हुई, उन जातियों से युक्त हो, देह शरीर आयु और कर्मों से उत्पन्न भोग को प्रत्येक जन्म में पाता। हे गरुड़, फिर उनसे भी परे मोक्ष पर्यंत सूक्ष्म लिंग का शरीर हो पाता, यानी कि यहाँ से मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म लिंग छोटी सी शरीर को इंसान को मिलता है। फिर हे गरुड़ अस्था शरीर को पाता है और अस्थावर वृक्षाद योनि, कीट पशु पक्षी धर्म करने वाले मनुष्य और देवता के क्रम से मोक्ष के भागी होते हैं। अर्थात वृक्षाद के बाद कीट तदंतर देवतत्व को पाकर मोक्ष हो जाता। अगर आत्मा है तभी हम लोगों का आप लोगों सबका मेल मिलन है। अपनी रक्षा के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जीता रहेंगे तो अनेक कल्याणों को देखेंगे, जीता रहेंगे तो अनेक कल्याणों को, गांवों को, बगीचों को, घर परिवार को और धन दौलत को, सबको देखेंगे। गांव, खेत, धन, घर, शुभ और अशुभ ये तो बार बार मिलते हैं, ये सब बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। जो मनुष्य का शरीर मिला है तो उससे अच्छे कर्म करके यहाँ से मुक्ति मिलनी चाहिए। तो बुद्धिमान, जो बुद्धिमान है, जो सदैव शरीर की रक्षा का उपाय किया करते हैं, जो ज्ञानवान है, जो बुद्धिमान है, वो सदा अपने शरीर की रक्षा करते हैं, क्योंकि कोढ़ी आदि भी शरीर त्यागने की इच्छा नहीं करते हैं। जो कोढ़ी हैं, जो अपया हैं, जो लोल हैं, उल्लंघन हैं, वो भी अपने शरीर को त्यागने की इच्छा नहीं करते हैं, इसलिए रक्षा की हुई इस शरीर से धर्म होता। जब हमारी शरीर रहेगी, हमारी शरीर की रक्षा किए रहेंगे, हमारी आत्मा रहेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो शरीर से धर्म होता है और धर्म से ज्ञान और ज्ञान से ध्यान होता है, और जब आप ध्यान से योग को प्राप्त होकर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं, जो आत्मा ही आत्मा को बुरे कामों से नहीं बचावे तो इससे दूसरा कौन आत्मा का हित करने वाला होगा। यानी आत्मा ही आत्मा का बचाव करता है और उसके हित करने वाला होगा। जो इस लोक में ही नरक रूप रोग की चिकित्सा नहीं करता, वह रोग औषध देश में जाकर क्या करे। व्याघ्री के समान बुढ़ापा है, जिस तरह से व्याघ्री है उसी तरह बुढ़ापा है, और फूटे घड़े के जल के समान आयु बीती जाती है, तथा रोग बैरी के समान प्रहार करते रहते हैं। रोग इंसान को कब क्या हो जाए, कौन सा रोग हो जाए, तो रोग बैरी के समान प्रहार करते हैं। इसलिए कल्याणप्रद कार्य का अभ्यास करना चाहिए, जब तक दुख आश्रय ना करे, जब तक दुख आश्रय ना करे, और जब तक विपत्तियां ना आवे, तब तक इंद्रियां व्याकुल ना हो जाएं, तब तक कल्याण के लिए उपाय करना चाहिए। जब तक यह शरीर सावधान रहे तब तक ही तत्व का अभ्यास कर लेना चाहिए, क्योंकि घर के कोने में आग लग जाने पर दुर्बुद्धि वाला ही कुआं कूदता है। अनेक सांसारिक कार्यों में फंसे रहने के कारण समय नहीं जान पड़ता है। खेद की बात है कि मनुष्य अपने सुख दुख तथा हित को नहीं जानता है। पैदा हुए जनों को, विपत्ति ग्रस्तों को और मृतकों को, आपत्ति में फंसे हुएओं को तथा दुखतों को देखकर भी यह लोग मोह रूपी मदिरा को पीकर कभी नहीं करता। धन संपत्तियां स्वप्न के तुल है, जो धन है, संपत्ति है, यह सब स्वप्न के तुल है, और यमन फूल के समान है तथा आयु बिजली के समान चपल। इस बात को जानकर किसको धैर्य होता,
कि पहले तो 100 वर्ष का जीना ही कम है। आज की जो नवी पीढ़ियां जन्म ले रही हैं उनका 100 वर्ष का जीना मुश्किल है, क्योंकि खान पियन रहन उठन बैठन ऐसे ही हैं कि इसमें आज के युग में 100 वर्ष का जीना बहुत मुश्किल है। उसमें भी आधा निद्रा में और आधा आलस्य में चला जाता। आधा निद्रा में यानी 24 घंटे दिन रात मिला करके है तो इंसान 8 घंटे 9 घंटे 6 घंटे 7 घंटे निद्रा में रहता, और तथा उसमें भी बाल अवस्था है, बचपन का अवस्था है। इंसान जब माँ की कोख से जन्म लिया, छोटापन भुगते हुए अपना कर्म खेलते कूदते बड़ा हुआ, उसमें निकल जाता है 8 साल 10 साल 12 साल, फिर पढ़ाई विद्या बुद्धि में निकल गया, 20 से 25 वर्ष इंसान का ऐसे निकल जाता, और 100 वर्ष का जीना भी मुश्किल है। तो 20-25 साल ऐसे निकल गए, यानी कि पढ़ाई में कुछ चल गया, कुछ अज्ञान में चल गया। अतः बाल्यावस्था बुढ़ापा रोग और दुखों में कुछ चला जाता है, कुछ तो बुढ़ापा में चला गया, कुछ इंसान के शरीर में रोग गया उसमें चला गया। अतः जो शेष आयु भी वह निष्फल ही बीत जाती। मोक्ष आदि का प्रारंभ करने में उद्योग रहित होने वाला, जागने योग्य ब्रह्म चिंतन कार्य में सोने वाला, अर्थात ब्रह्मा का चिंतन नहीं करना और भय का स्थान जो संसार है उसमें जो भी मनुष्य विश्वास करने वाला, कौन सा ऐसा मनुष्य नहीं मारा जाता, अर्थात सब ही मारे जाते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित। कि जो गरुड़ पुराण में 16 अध्याय हैं, 16 अध्याय में इन सब का सार निकाल के, यानी कि सब का इसमें रस निकाल के इसमें बताए हैं कि ये आवागमन चक्र, ये मृत्यु लोक पर जहाँ हम लोग निवास कर रहे हैं, जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये मृत्यु लोक है, ये आवागमन चक्र है, यहाँ पर आना जाना लगा। यहाँ पर जिस इंसान, पशु पक्षी पेड़ पौधे नर देह बंदर जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि ये आवागमन चक्र है। भगवान जी कहते हैं कि जो इस पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म मिला है 84 लाख योनियां भोगने के बाद, वो अच्छा कर्म करे, अच्छा ज्ञान करे, अच्छा ध्यान करे, अच्छा योग करे। जब ज्ञान है, ध्यान है, योग हो है, तभी आपसे अच्छे कर्म होंगे और अच्छे कर्म से मुक्ति है। इस आवागमन चक्र से छूटने के लिए भगवान की सेवा, गुरु संतों की सेवा, गरीबों दुखियों अनाथों की सेवा करें, अच्छे कर्म करें, माता पिता की सेवा करें और भगवान का नाम जपे, उसी से उसकी मुक्ति है। आवागमन चक्र से इंसान तभी मुक्त हो जाएगा, तभी छूट जाएगा। इस आवागमन चक्र से मुक्ति के लिए एक ही उपाय है कि भगवान का नाम धारण करें, भगवान के नाम को जपें, भगवान का सुबह शाम उच्चारण करें, मन से करें, श्रद्धा से करें, एक ही नहीं बैठ के दिखावा करें कि हम 4 घंटा भगवान का नाम कर रहे हैं, मन से कर्म काम भी करें और भगवान का नाम करें। इसी में मनुष्यों का जीवन मरण पर्यंत जो इंसान का शरीर है ये यहाँ से छूट करके मुक्ति हो जाएगा, भगवान के चरण कमलों में स्पर्श हो जाएगा। अच्छे कर्म करने से ही मुक्ति है, बाकी पाप कर्म मुक्ति के दाता नहीं। और कहीं ना कहीं भगवान अनजाने अनजाने से कहीं ना कहीं छोटा मोटा पाप तो हो ही जाता है, लेकिन जो अनजान से पाप है, जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं कोई चींटी मर गई तो वो अनजान का है, खैर आपने पाप तो किया, जितनी बड़ी आत्मा आपकी उतनी बड़ी आत्मा उसकी भी, लेकिन अनजान में हुई तो उसे भगवान से इसी शाम सुबह इसी करके भगवान का नाम जपना है कि हमें मुक्ति प्रदान करें। बोल विष्णु भगवान की जय। तो बाबू हृदयनंद के लास्ट विदाई में सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं, सभी आए हुए यहाँ पर भक्तजन मित्रगण, नाथ बात जो है
और सभी से निवेदन है कि बाबू हृदयानंद के आत्मा की शांति के लिए सभी लोग 2 मिनट माँ भगवती गायत्री का जाप करते हुए उनकी आत्मा को शांति के लिए माता जी से भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आप उनको अपने चरण कमलों में स्थान दो और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Oh,
विश्वास